अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं सेफ सिटी टीवी और मैं हूं आजिल हसनात। शामिल करेंगे सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर पुलिस शोधा की अहल खाना की बेहतरीन वेलफेयर के लिए सरगर्म अमल, फर्ज की राह में जान कुर्बान करने वाले एक और पुलिस जवान के अहल खाना को घर दे दिया गया। पंजाब भर से गुजशत 24 घंटों में पुकार 15 सेंटर में 1,04,862 एमरजेंसी कॉल्स मौसूल हुई। 8,894 कॉल्स पर बरवक्त रिस्पॉन्ड किया गया, जबकि 48,711 कॉल्स गैर जरूरी करार दी गई। गुजशत 24 घंटों में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 31 इलेक्ट्रॉनिक चालान जारी किए गए। वर्चुअल पेट्रोलिंग अफसरान ने कैमरों की मदद से 617 मशकूक सरगर्मियों की ऑब्जर्वेशन दी। सरगोधा थाना बागटावाला की हदूद में बासर अफराद का गरीब जिमीदार के मवेशियों को आग लगाने का मामला। सरगोधा पुलिस ने मवेशियों को आग लगाने वाले मरकजी मुलजिम मोहम्मद सरवर को गिरफ्तार कर लिया। भावलपुर थाना सदर हरूणाबाद पुलिस की कार्रवाई, आदि मनशियात फरोश गिरफ्तार, मुलजिम के कब्जे से 520 ग्राम हिरवन बरामद, मुकदमा भी दर्ज। अटक पुलिस की जानिब से बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी, थाना बसाल और रंगो पुलिस की कार्रवाइयां, आबिद वहीद और अब्दुल रजाक नामी बिजली चोर गिरफ्तार। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की नेवर अगेन मुहिम के तहत उकाड़ा पुलिस की कार्रवाई, हमला खातून को तशद्दुद का निशाना बनाने वाला मरकजी मुलजिम गिरफ्तार। कसूर के इलाके मीर मोहम्मद गांव में पुलिस का रात के भारी नफरी के साथ ग्रैंड सर्च ऑपरेशन, इश्तिहारी मुजरमों समेत मनशियात और नजायज असलहा में मुलविस 24 मुलजिमान गिरफ्तार, मनशियात और नजायज असलहा भी बरामद। फर्ज की राह में जान कुर्बान करने वाले एक और पुलिस जवान के अहले खाना को घर दे दिया गया। राजनपुर के शहीद शकील अहमद के अहले खाना को महर फयाज कॉलोनी तहसील शालीमार जिला लाहौर में घर खरीद कर फ्राहम किया गया। तमाम जरूरियात जिंदगी से आरास्ता घर की मालियत 1,35,00,000 रुपए है। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की खसूसी कावश पर हुकूमत पंजाब ने शहदा के अहले खाना के घरों के लिए फंड्स जारी किए। शहीद कांस्टेबल शकील अहमद ने गुज़श्ता वर्ष जून में शहरियों की जानो माल के तहफ्फुज़ में जामे शहादत नौश किया था। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने शहीद कांस्टेबल शकील अहमद की लाजवाल कुर्बानी को खराज तहसीन पेश किया और कहा कि शहीद कांस्टेबल शकील अहमद ने अपनी जान की परवाह किए बगैर खतरनाक मुलजिमान का बहादुरी से मुकाबला किया। पंजाब पुलिस अपने बहादुर सपूत की लाजवाल कुर्बानी को कभी फरामोश नहीं करेगी। पंजाब पुलिस 1600 से ज्यादा बहादुर शोदा और 1700 से ज्यादा गाजियों की अमीन फोर्स है। महकमा माहौलियात और सेफ सिटी स्मोग रडार के मुताबिक आज मजमूई तौर पर लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या रिकॉर्ड किया गया है, जानिए इस रिपोर्ट में। महकमा माहौलियात और सेफ सिटी स्मोग रडार के मुताबिक इस वक्त मजमूई तौर पर लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 125 है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों की बात करें तो माल रोड पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 97, पंजाब यूनिवर्सिटी 102 और सेफ सिटीज अथॉरिटी में 95 रिकॉर्ड किया गया। बिलाशुबा स्मोग मुख्तलिफ अमराज का बायस बन रही है, जिनसे बचने के लिए आपको माहिरीन सेहत की इन एडवाइस पर अमल करना होगा। सुबह वॉक पर जाने वाले शहरी स्मोग से बचाव के लिए अपनी रूटीन में तब्दीली लाएं। रोजमर्रा रूटीन में ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं और कूड़े को हरगिज आग ना लगाएं, ये स्मोग में इजाफे की सबसे बड़ी वजह है। आइए हम सब मिलकर अपने माहौल को साफ रखें और स्मोग फैलाने वालों की इत्तला 15 पर दें। साफ माहौल, महफूज लाहौर। सरगोधा थाना बागटावाला पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गरीब जमींदार के मवेशियों को आग लगाने वाले मरकजी मुलजिम मोहम्मद सरवर को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान ने जाती अनाथ पर मुखालफीन के 6 मवेशियों को आग लगा दी थी। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने वाकये का नोटिस लिया था। आईजी पंजाब ने डीपीओ सरगोधा को दीगर मुलजिमान के खिलाफ सख्त एक्शन का हुक्म भी दे दिया। आईजी पंजाब का कहना है कि मुलजिमान चाहे कितना ही बासर क्यों ना हो, सजा से नहीं बच सकेंगे। ये थी अब तक की अहम खबरें। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी और पंजाब पुलिस के सोशल मीडिया पेजेस।